अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं वो चिकन चाउमीन नूडल्स की रेसिपी है, जिसके लिए हमने जो अज्जा ली हैं वो देख लेते हैं। ये है तकरीबन 400 ग्राम बोनलेस चिकन, इस तरह से छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है बारीक। नमक लिया है हसबे जायका, एक अंडे की सफ़ेदी ली है, वाइट पेपर पाउडर लिया है, कॉर्नफ्लोर लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही ऑयल लिया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल दूंगी, वाइट पेपर पाउडर, एग वाइट, कॉर्नफ्लोर, और ऑयल डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे ढककर एक साइड पर रख देंगे। यहाँ पर हम बाकी की इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हमने लिए हैं तकरीबन 300 ग्राम स्पैगेटी ली है, जिसको बॉईल करके रख लिया है, शिमला मिर्च ली है, ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज, इनको भी हमने इस तरह कट कर लिया है, एक प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, इसको भी बारीक काट लिया है, गाजर ली है और हरी प्याज ली है। मसालों में इसके अलावा हमने वाइट पेपर पाउडर लिया है, सोया सॉस लिया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, नमक, रेड चिल्ली फ्लेक्स, गार्लिक पाउडर एंड ऑयल लिया है। तो चलिए अब हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। अब मैं एक पैन में ऑयल लेकर इसको मीडियम फ्लेम पर गरम करूंगी और इसमें अपनी चिकन जो है वो फ्राई कर लेंगे हम। दूसरे ही साइड पर मैंने एक पतीली ली है, जिसमें मैं ऑयल ऐड करूंगी और इसमें अपने प्याज डाल के हम इन्हें अच्छी तरह से सौटे कर लेंगे। हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ प्याज सॉफ्ट करनी है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। और वेजिटेबल ऐड करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दूसरी साइड पर हमारी चिकन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। चिकन बिल्कुल रेडी है, फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे। थोड़ी ही देर कुक करने के बाद वेजिटेबल भी सॉफ्ट होना शुरू हो गई है, तो अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे, जिसमें नमक, वाइट पेपर पाउडर एंड चिली फ्लेक्स थे। नॉर्मली इसमें चिली फ्लेक्स नहीं डालते हैं, लेकिन हम डालते हैं। दरअसल ज़ुबान को चस्का लगा हुआ है मिर्चों का, तो उसके बग़ैर गुजारा नहीं होता। तो इसके अलावा हमने इसमें सोया सॉस ऐड की है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर लेने के बाद मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए इसे ढक्कन देकर गलने दूंगी वेजिटेबल्स को, ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। और 1 से 2 मिनट के बाद ही इसमें जो है हम नूडल्स ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स हमने बहुत बारीक कट की हुई थी, इसलिए उन्हें पकने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अब नूडल्स इसमें डालकर हम अच्छी तरह से इसे हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे, ताकि वेजिटेबल्स एक ही तरह से हर जगह मिक्स हो जाएं। यहाँ पर आप देख लीजिए वेजिटेबल्स में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब जो हमने चिकन पहले से फ्राई करके एक साइड पर रखी हुई थी वो इसमें ऐड करेंगे, फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चिकन भी मिक्स हो चुकी है, हमारे चिकन चाउमीन नूडल्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। मैं इसे डिश में निकाल लूँगी।
तो लीजिए, हमारी चाउमीन नूडल्स बिल्कुल तैयार हैं, घर पर बनाएं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।